Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. Man.
जो पंचांग है उस स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शार्थ स्मरण करता। मैं ओंकार हूं। सृष्टि के आरंभ में सर्वथा एवं सर्वत्र शून्य था। उसी शून्य में से ज्योति बिंदु का रूप धारण कर शिव के अक्षर शरीर के प्रतीक से मेरे आकार का निर्माण हुआ, अर्थात मैं शिव का आदि आकार हूं। भूत भविष्य और वर्तमान मुझमें समाये हुए हैं। तीनों कालों के आकार को अपने व्रत में स्थित रखने वाला ओंकार, अपने निराकार नेत्रों से मैं जगत में घटने वाली गतिविधियों का निरंतर अवलोकन करता हूं। जगत में व्याप्त संपूर्ण त्रिगुणात्मक गतिविधियों का प्रथम एवं प्रत्यक्ष दृष्टा, मेरी दिव्य दृष्टि से जगत का कोई भी परमाणु अछूता नहीं। मैं ओंकार हूं, जगत के पंचभूतों का प्रेरणा स्रोत, पंचभूतों की सक्रियता का आधार और उनमें समाया हुआ। अंतरिक्ष में व्याप्त दिव्य तरंगों की भांति सर्वथा निर्विकार हूं। दिव्य तरंगों के स्पर्श मात्र से मैं ब्रह्मांड की गतिविधियों का ज्ञान रखने में समर्थ हूं। जगत के कण कण में समाया हुआ और जगत के कल्याण के लिए प्रत्येक शब्द और स्वर में व्याप्त ओंकार, आकाश धरती और पाताल तीनों लोकों में मेरी दिव्य पदचाप दिव्य पुरुष सुन लेने में समर्थ है। मैं सर्वज्ञ ही नहीं सर्वव्यापक भी हूं। मैं ओंकार हूं। कण कण श्वास श्वास और रोम रोम में समाया हुआ ओंकार, मेरा न आदि है न अंत, न ओर है न छोर, फिर भी मैं स्थूल नहीं सूक्ष्म हूं। धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त अनेक रूप रंग आकार प्रकार के सजीव निर्जीव चित्र मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। मैं सृष्टि का प्रथम चितेरा प्रथम चित्रकार हूं। मैं ओंकार हूं। सत्य असत्य पाप पुण्य स्वार्थ परमार्थ सभी में समान रूप से विद्यमान ओंकार, सत्य परमार्थ और पुण्य मुझे पाकर आकार प्राप्त करते हैं, असत्य स्वार्थ और पाप अपनी दुर्बलता के कारण मुझे अस्वीकार करते हैं। निर्जीव व सजीव के अणु अणु में समाया हुआ, पवन के वेग और अग्नि की तपन में रमा हुआ ओंकार, कीर्तन भजन पूजा अर्चना सभी के स्वरों में समान रूप से समाहित ओंकार, जड़ बुद्धि में विस्मृति मैं हूं और चेतन बुद्धि में स्मृति भी मैं हूं। मैं ही गुण और आकृति से निर्मित आकार प्रकार हूं। ब्रह्मांड का कण कण मेरी ध्वनि से लयबद्ध होकर निरंतर नृत्य कर रहा है। मैं ही शिव में समाहित नटराज और आदि नृत्यकार हूं। मैं ओंकार हूं। प्राणी के प्राण में जब तक स्नेह सम्मान और सद्भावना की ज्योति प्रज्वलित रहे,
तब तक मैं वीणा की मधुर झंकार हूं। यदि क्रोध घृणा दुर्भावना जग उठे तो जलता हुआ अंगार हूं। प्राण की आत्मा में शुद्धि हो तो उसका संस्कार हूं। मन बुद्धि सात्विक हो तो शिव मस्तक पर शोभायमान चंद्र जैसा अलंकार हूं। मैं ओंकार हूं। सात्विक भावना से किए गए सत्कर्मों का मूल आधार हूं, किंतु कुत्सित भावना और दुष्कर्मों से उपजने वाला अंधकार हूं। मुझसे उत्पन्न शक्ति का सदुपयोग लोकहित में किया जाए तो मैं जगत का श्रेष्ठ अधिकार हूं, किंतु अपकर्म करने वाले प्राणी के मन का विकार हूं। विधाता के बनाए प्राणियों का हित चाहने वालों के लिए उपकार हूं और प्राणी मात्र को कष्ट देने वालों के लिए संहार हूं। प्राण के ज्ञान दृष्टि भेद अनुभव के आधार पर कहीं साकार हूं तो कहीं निराकार हूं। जगत के सन्मार्गी और सद्गुणों से संपन्न वे प्राणी जो मेरा महत्व समझकर अपनी श्वासों में मेरी ध्वनि को समा लेते हैं, उनके लिए मैं तारणहार हूं। भवसागर में जहां कष्टों की भयंकर लहरें उठती हैं, जहां पग पग पर झंझावात मृत्यु का रूप धरकर डुबो देने के लिए तत्पर रहता है और जहां निराशा की गहराई निगल जाने के लिए सदा मुंह खोले खड़ी रहती है, वहां यदि प्राणी मुझे अपने मन में थाम ले तो मैं पतवार हूं। मैं ओंकार हूं। सदगुणों सदवृत्तियों सद्भावनाओं और सदविचारों का शुभ्रता सौम्यता शक्ति सामर्थ्य कल्याण आदि गुणों का एक मिश्रित प्रकार हूं। प्राणी मुझे स्थूल दृष्टि से देखे तो मैं शून्य हूं और सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो दीर्घाकार हूं। प्रकृति के धरातल पर भावपूर्ण और भक्तिभाव के उभरते गीतों का मैं गीतकार हूं। नदी की कलकल भावरे की गुंजन पवन की सनसन और पक्षियों की मधुर चहक में जो मधुर संगीत है, मैं उसका संगीत और स्थूल दृष्टि से देखने पर
केवल शून्य हूं, किंतु अंतर्दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर मैं शक्ति और सामर्थ्य का आगार हूं। संपूर्ण जगत के प्राणियों की भक्ति भावना, सद्भावना और लोक कल्याणकारी भावना का मूल आधार हूं। दृष्टि व ज्ञान के भेद से कभी त्रिगुणात्मक त्रिकोण हूं, कभी चतुष्धर्मा चतुष्कोण हूं, तो कभी अनंतता के चक्र में विद्यमान पृथ्वी जैसा गोलाकार हूं। प्रकृति के आंगन में दिन रात जो लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न होकर गुनगुन करती है, मैं उसी गीत का गीतकार हूं। मैं समस्त वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ, ज्ञान और विज्ञान का मूल तत्व और सार हूं। ब्रह्मांड रूपी नाट्यशाला में प्राण रूपी वीणा का मैं चेतना पूर्ण सप्तक तार हूं। जन जन को कष्ट पहुंचाने वाले दुष्टों का अस्तित्व में अधिक समय तक सहन नहीं करता। जन रक्षा में मैं उनके लिए भीषण प्रहार हूं। अपने स्वार्थ ही जगत के निर्दोष प्राणियों को पीड़ित करने वालों के लिए मैं विष की बेल हूं, किंतु जन कल्याण के मार्ग पर चलकर त्याग और बलिदान की भावना से पूर्ण प्राणियों के लिए मैं सुख और सुधा का भंडार। मैं ओंकार हूं। अतीत से जो प्राणी अनुभव प्राप्त नहीं करते, उनका साथ मैं भी नहीं देता, किंतु जो अतीत की ज्ञान गाथाओं से शिक्षा ग्रहण कर भविष्य का निर्माण करते हैं, मैं सदा उनका सहायक रहता हूं। अर्थात अतीत पर वर्तमान और वर्तमान पर भविष्य का भवन खड़ा करने वाला शिल्पकार हूं। दुष्टों की भव्यता और अस्थाई सफलता से प्रभावित होने वाले प्राणियों से मैं सदा अप्रसन्न रहता हूं, किंतु सज्जनों के तप जप व कथाओं से प्रभावित होने वाले प्राणियों से मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। ब्रह्मा ब्रह्माणी की, भगवान भगवती की, शिव और शिवा की कथा का सूत्रपात करने वाला एकमात्र सूत्रधार हूं। अपनी शक्ति का प्राणी मात्र के लिए सदुपयोग करते हुए जो सदा जन कल्याण में प्रवृत्त रहते हैं, उनके लिए मैं शक्ति का आगार हूं, किंतु प्राणी को पीड़ित करने वालों के लिए मैं दहकता हुआ अंगार हूं। सद्व्रत प्राणी जो सदा सन्मार्ग पर चलते हैं, मैं उनके लिए शाश्वत सुगंधित पुष्पहार हूं, किंतु दुष्प्रवृत्ति के वश कुमार्ग पर चलने वालों के लिए मैं नंगी तलवार हूं। जगत में सभी का हित चिंतन करने वालों का मैं कर्णधार हूं, पर जो प्राणी स्वार्थ, वासना और अहंकार के वश होकर प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं, उनके लिए मैं
भीषण प्रहार पंच तत्वों से निर्मित प्राणी में जब तक मैं समाविष्ट नहीं होता तब तक प्राणी पूर्ण ही नहीं होता, अर्थात मैं पंच तत्वों का प्राणाधार हूं। मैं प्राण गति को संचारित करने वाला संचार हूं। समस्त जगत के दुर्गुणों को दूर कर सद्गुणों का प्रसार करने वाला कर्मकार हूं। अनाचारी व दुराचारी प्राणियों का संहार और सदाचारी व धर्माचारी प्राणियों का निस्तार करने वाला कर्तार हूं। दूसरों का हित चिंतन करने वालों के लिए गंगा की पवित्र धार हूं, किंतु दूसरों का अहित चाहने वालों के लिए वज्र का प्रहार हूं। जो प्राणी सदा अहंकार में डूबे रहते हैं मैं उनके लिए विकार हूं, किंतु संभाव और समदृष्टि रखने वाले प्राणियों के लिए मैं कर्णधार हूं। कष्ट निराशा दुख पीड़ा इन सबसे पीड़ित प्राणी जब मेरा उच्चारण करता है तो इस सत्य का भी अनुभव करता है कि मैं हर पीड़ा का उपचार हूं। सत्कर्म करने वालों के लिए मंदिर के घंटे की टंकार हूं, पापियों का नाश करने वाला, भक्तों का कल्याण करने वाला मैं शिव रूपी आकार हूं।